एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये पहली बार मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को डाउट है मन में, जो मई 19 के टर्म पर एग्ज़ाम नहीं दिए और नवंबर टर्म पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं अबाउट ओएमआर शीट। तो आप लोगों के मन में एक डाउट है कि कैसे मार्क करें ओएमआर शीट, पेंसिल से या पेन से, तो इसी को लेके, क्योंकि मैंने मई 19 के टर्म पर एग्ज़ाम दिए तो मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा बहुत मदद कर दूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एंड यू डोंट हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि सब एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जामिनर्स उतना मदद नहीं करते हैं। कभी कभी वो लोग बस इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, हाँ कर लो कर लो, लेकिन उतना ख्याल देखते नहीं हैं हम लोग को, ठीक है। तो डाउट होते हैं हम लोग को क्या होना चाहिए, पेन से या पेंसिल से, बिकॉज आई हैव सीन कि इस बार भी मई 19 के टर्म पर मेरे एक दोस्त ने मेरे पास बैठ के वो पूछ रहे थे मुझे कि पेन से होंगे या पेंसिल, या डाउट हो रहा है मुझे, कोई कोई पेन से भी मार्क करती है आंसर्स को। सो बिफोर आई स्टार्ट, पहले ये बात कह दूँ, ICAI ने कोई मैंडेटरी नहीं की है, बट ये कहा गया है आप अपने आंसर को HB पेंसिल से मार्क कीजिए, क्योंकि अगर आपके आंसर गलत है, जैसे कि A, B, C और D चारों ऑप्शन ही होते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं होंगे, कम भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका आंसर आपने A मार्क कर दी, सोचिए, लेकिन बाद में आपको डाउट हुआ कि नहीं D होना चाहिए और मुझे D लगता है, तो बाहर आपको तो चेंज करने होंगे। आप वो पेंसिल से कीजिए ताकि आप इरेज कर पाए, और HB पेंसिल से आप इरेज कर पाओगे, अच्छी रिजल्ट लेके जाना, इरेज कर लेना, आप फिर से मार्क कर लीजिए D पर, और अच्छे से वो जो पहले आपने अगर ऑप्शन A चॉइस की, फिर बाद में अगर आपको लगा D होना चाहिए, तो A को बहुत अच्छे से इरेज कर दीजिए ताकि उसको समझ भी ना आए, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पेपर पर यही दिखाई ना दे, कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसे इरेज मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि A का वो लिखा हुआ जो एक लेटर है वही दिखाई ना दे, ऐसा मत कीजिए। ऐसे मतलब बहुत ही फ्रेश पेपर रखने की कोशिश कीजिए ताकि वो एम शीट जब चेक हो जाए आपके आंसर समझ में आ जाए और आपको मार्क्स भी मिल जाए, बिकॉज 30 मार्क्स इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास। और वो आपकी MCQ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आते हैं, क्योंकि मैंने भी इस बार मई 19 में अपने सेकेंड ग्रुप इंटरमीडिएट के दिए हैं, तो मैंने भी देखा कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन देते वो लोग, एंड यू कैन ईजिली ग्रैब एटलीस्ट 20 मार्क्स ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर OMR। नहीं भी किया अगर पूरा बुक्स पढ़ाई किया आपने, स्टडी मटेरियल टू प्रैक्टिस मैनुअल अबाउट द ओल्ड कोर्स, बिकॉज आई एम इन द ओल्ड कोर्स, तो और न्यू कोर्स के लिए सिर्फ स्टडी मैट ही है, तो आपके लिए अच्छे से आप मार्क्स मिल सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती इनके ऊपर। तो आपके जो एडमिट कार्ड है उनका एक व्यू मैं दिखा देती हूँ। आपके जो पहले एडमिट कार्ड होंगे उनके सेकंड पेपर पर आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देंगे जिसके ऊपर बहुत सारे टीचर ने वीडियो अपलोड कर दी है, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये जो पेज आप लोगों को फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के लिए दिखाई दे रहा है, ये ओल्ड सिलेबस के लिए है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन क्रॉस है, इसका मतलब इसका कोई MCQ बुकलेट आप लोगों को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ऊपर जाके थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर दिया हुआ है, ये यहाँ पे भी साइन करेंगे, क्योंकि आपको आंसर बुकलेट मिल गए और एग्जामिनेशन सेंटर पर आप आए, इन्विजिलेटर का नाम और यहाँ पे उसके सिग्नेचर होंगे। लेकिन जैसे कि ओल्ड सिलेबस में आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों के लॉ एथिक्स कम्युनिकेशन पर हम लोगों को MCQ सॉल्व करने होंगे, जिसके वजह से यहाँ पे एक बॉक्स खाली रह गए, ठीक है। यहाँ पे टीचर का फिर से एक सिग्नेचर होंगे, मतलब जहाँ पे हम लोगों को MCQ करने होंगे उस सब्जेक्ट पर आपको टीचर का एक जगह पे नाम, यहाँ पे उनका नाम और दो सिग्नेचर होंगे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल जैसे अकाउंटेंसी में हो रहे और कॉस्ट अफेयर में कोई MCQ नहीं दिए गए, तो इसके वजह से आप लोगों के टीचर का मतलब इन्विजिलेटर का कोई सिग्नेचर यहाँ पे नहीं होंगे, इसके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि यहाँ पे क्रॉस साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको लेके आप लोग नवंबर 19 टर्म के लिए कोई डाउट मत रखिए कि मतलब इसके ये क्यों दिए गए हैं, क्या मेरे एडमिट कार्ड पर ये सब कुछ आए या नहीं, तो इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए गए यूट्यूब में। दूसरी बातें जो मुझे आप लोगों को कहना है, जहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों हैं, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हम लोगों को आंसर जो बुकलेट होता है जहाँ पे हम अपने आंसर लिखते हैं वो दोनों दिए जाएंगे, लेकिन OMR बुकलेट और OMR शीट सिर्फ एक ही दिए जाएंगे, ठीक है।
सिर्फ एक होंगी, उसमें दो नहीं होंगे. एंड इफ़ यू हैविंग प्रॉब्लम इन माई प्रोनाउंसिएशन, आई एम वेरी सॉरी, मैं उतनी हिंदी में बात नहीं कर सकती, मैं बंगाली हूँ. ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, सो प्लीज़ डोंट माइंड फॉर माई प्रोनाउंसिएशन. तो जो मैं बात कह रही हूँ ये कि हम लोगों के डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के लिए दो आंसर बुकलेट दिए जाएंगे, जहाँ पे हम अपना पूरा 70 मार्क्स को सॉल्व करेंगे. लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए भी वही है, 70 मार्क्स के लिए दोनों बुकलेट दिए जा रहा है. लेकिन हम लोगों को हो रहा है एमसीक्यू में, एमसीक्यू में सिर्फ और सिर्फ वन, जस्ट वन बुकलेट दिया जाएगा हम लोगों को, और वन ही वन ओएमआर शीट दिया जाएगा. मे बी 25 to 30 नंबर्स होंगे उसमें, 25 तक क्वेश्चन हो सकता है. अगर वो भी ज़्यादा मुझे नहीं पता फर्स्ट ग्रुप के लिए कितना क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यू बुकलेट पर सेकंड ग्रुप के लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन ही दिए गए थे. लेकिन आप लोगों के ओएमआर शीट पर 30 नंबर तक क्वेश्चन के होंगे, तो उसमें लेके डाउट मत कीजिए. बिकॉज एक कुछ तीन और चार ऐसे कुछ क्वेश्चन का मार्क्स दो मार्क्स के लिए है, एक मार्क्स के लिए नहीं है. सो डोंट बी स्केयर्ड कि मेरे आंसर शीट पर क्वेश्चन बुकलेट पर 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आंसर बुकलेट पर तो क्वेश्चन का नंबर 30 तक दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी. डोंट हैव अ डाउट रिगार्डिंग दैट. सो जस्ट फोकस कि उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है बुकलेट पर, क्वेश्चन बुकलेट उतना ही आपको मार्क करना है. एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हम लोगों के सेकंड ग्रुप के लिए ऑडिट और इन्फॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए एक ही ओएमआर शीट दिए गए थे, एक ही ओएमआर बुकलेट, और ऑडिट के लिए भी एक ही ओएमआर बुकलेट और एक ही ओएमआर क्वेश्चन, ठीक है. तो उसमें 30 मार्क्स तक दिया हुआ था. मतलब मैं जो अब दिखा रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ड्राइंग कर लिए थे ओएमआर बुकलेट का, ओएमआर शीट का. तो यहाँ पे जो आप लोगों के आंसर के लिए होंगे, आंसर एक में 1, 2, 3, 4 करके 30 तक दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चंस थे सिर्फ और सिर्फ 25. इसका मतलब हम लोगों के 25 ही क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मे बी थ्री टू फोर और मे बी फाइव क्वेश्चन का मार्क्स थे हम लोग के लिए 2 करके, जिसके वजह से उसमें से ही 30 मार्क्स हो रहे थे अरेंज करके, ठीक है. तो आपका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. और जो है ITSM के लिए जितना मैंने देखा, क्योंकि मैंने सेकंड ग्रुप दिए थे, तो सेकंड ग्रुप में IT के लिए 15 क्वेश्चन दिए गए थे शायद, और SM के लिए 15 क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिए गए थे, मे बी 10 और 15 कुछ ऐसा थे, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है. कुछ ऐसा क्वेश्चन पहले IT फिर SM, या दोनों को मिला के भी दे सकते हैं. अब मैं आ जाती हूँ आप लोगों को कैसे मार्क करना है बुकलेट पर. आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर, ये देख लीजिए पेज नंबर 10. जब आप एडमिट कार्ड जनरेट होंगे आप लोग के, पेज नंबर 10 पर आके देखिए, क्योंकि हमारे एडमिट कार्ड भी वही आए थे. पेज नंबर 10 पर कुछ रूल्स दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है जो मैंने कहा है आप लोग के, कि दोनों पेपर नहीं होंगे, एक ही ओएमआर बुकलेट ओएमआर शीट होंगे. तो उसके बारे में ICAN ने पेज नंबर 10 आपके एडमिट कार्ड पर दिए होंगे उसके इंस्ट्रक्शन, आप लोग पढ़ लीजिए अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो, ठीक है. तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओएमआर जो शीट देंगे, आंसर शीट आप लोग देख सकते हैं, मैं उसे थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को. कुछ ऐसा होंगे आप लोगों के ओएमआर शीट, ठीक है. ये देखिए 30 तक नंबर दिया हुआ है. आप लोगों के क्वेश्चन 25 तक भी हो सकता है, तो आप इसमें कोई डाउट मत रखिए और तुम भी स्केयर्ड, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन का मार्क्स 2 मार्क्स के लिए, ठीक है. तो ये समझ लीजिए. अब आए बात हम लोग कैसे फिलअप करेंगे. ये जो आपका रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेंगे, ठीक है. लेकिन आप बॉक्स को कैसे कलर करते हो आप लोग, ऐसे कि अगर आपका बॉक्स ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे 1, 2 करके बॉक्स होंगे, ठीक है, ऐसे सर्कल दिया हुआ है. ये पकड़ लीजिए आपकी, मान लीजिए कि आपको एडमिट आपका रोल नंबर 1 से होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ आए, तो 1 को आप कैसे मार्क करेंगे. आप ये जो रोल नंबर वाली चीज़ है, आंसर्स को नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ हम करते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज़ ही होते हैं, लेकिन आंसर को छोड़ के, आंसर को सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही मार्क करना है आप लोगों को. इसलिए जब आप आंसर यहाँ पे मार्क करते हो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से, ओनली पेंसिल्स, ताकि आप लोग जब आप गलत करते हो, कोई आंसर गलत हो जाए, आप इरेज कर पाओगे. क्योंकि पेन से किए तो आप इरेज नहीं कर पाओगे, तो वही मान जाएंगे. और अगर आपने आंसर को ABCD करके अगर आपका दिया हुआ है, आपने पेन से ए मार्क कर दिए थे, पूरा ऐसे फिलअप कर दिए थे, और फिर आपको रियलाइज़ हुआ आपका आंसर बी होंगे, तो आप बी मार्क कर दिए, तो आपको गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो रॉन्ग आंसर माना जाएगा. वो एडमिट कार्ड में उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए उनमें से, जब आपका नवंबर 19 का एग्ज़ाम मिल जाएंगे आप लोगों का एडमिट कार्ड, ठीक है. आप भाई ये बात हमने बता दी कि पेंसिल से सिर्फ और सिर्फ आंसर्स मार्क होंगे, HB पेंसिल से.
अब है बात आपकी रोल नंबर पेपर कोड पेपर ऐसे आप कैसे फिलअप करेंगी। रोल नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा, ऐसे 1 2 3 4 करके, फिर ऐसे 1 2 3 4 करके दिया हुआ रहते हैं। तो अगर मैंने ऐसा देखा कि 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो पहले 1 को हम लोगों को फिलअप करना है। 1 को आप ऐसे फिलअप करोगे पूरे ऐसे, ये बात आप पेन से भी कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुल, अगर आपने पेन से किया आप गलती की है तो OMR शीट दूसरा नहीं देते वो लोग। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो शायद दे सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि एग्जाम हॉल पे जो भी कोई गलती किए हैं, अगर किए भी हैं तो देते नहीं है, ठीक है, वो लोग दूसरा पेपर नहीं देते ऐसे ऐसे। सो बी केयरफुल, आप लोग इसे पेन से ना, पेंसिल से ना, इसे पेन से ही मार्क कर लो। अगर आपको डर है तो थोड़ा बहुत पेंसिल से शेड भी कर सकते हो, कि थोड़ा सा ऐसे शेड करके रख दिए, फिर चेक करके फिर उसको इरेज करके आप कर भी सकते हो, पर मुझे नहीं लगता वो सही होंगे, ठीक है, बिकॉज दैट विल मेक अ लिटिल बैड अबाउट योर पेपर। थोड़ा सा समझ में ना भी आ सकता है पेपर को, थोड़ा बहुत लाइक क्या कहूँ मैं, गन उतना सा सही दिखाई नहीं देते। इट हैज़ टू बी नीट एंड क्लीन, नो, थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन करने की कोशिश कीजिए अपने पेपर। तो मैंने इसको पेन से ही मार्क किए थे, क्योंकि आपके आंसर जो बुकलेट होंगे, जो आपका आंसर बुकलेट होंगी, उसमें भी ऐसे ही आपको मार्क करने हो जैसे OMR शीट में होता है। तो जिन्होंने पहले दिए हैं नवंबर 18 टर्म में, लेकिन मई टर्म डिफर किए थे, दिए नहीं है, तो उन लोगों को ये बात कह देती हूँ मैं, जैसे आप लोगों ने आपके नवंबर 18 टर्म में आंसर बुकलेट में मार्क किए थे, OMR शीट जैसे ऐसे सर्कल में मार्क वैसा ही है, कुछ अलग नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो डोंट बी कन्फ्यूज कैसे होंगी OMR शीट, हम लोगों ने कभी किए नहीं है ऐसे कोई अगर स्टूडेंट हुआ। अब अगर देखिए 2 नंबर आए तो सर के लिए 2 पर होंगे, ऐसे 2-3 सर्कल्स होंगे, जैसे अब हम लोग दिखा देते आपको थोड़ा बहुत, ये देखिए हर एक नंबर के लिए आप लोग देख सकते हैं, हर एक नंबर के लिए सर्कल्स होंगे। तो मैंने जैसे 1 पे ऐसे सर्कल कर देंगे, फिर अगर आए हमारे बाद 2 नंबर पर, हम दिखा दे रहे हैं कि एडमिट कार्ड पे अपने रोल नंबर सेकंड पोजीशन पे है 2, तो 2 को हम पूरा सर्कल करेंगे, ऐसे ही पूरा सर्कल कर देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे सर्कल होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर कम नहीं होना, एकदम पूरा सा सर्कल कर दीजिए, ताकि समझ में आए कि ये 2 नंबर पर सर्कल है। अब आए बात अपने रोल नंबर पर, अपने पूरा कर ली, अब आए आएंगे आपको बात पेपर नंबर पर, मतलब कौन सा पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है। ये पेपर नंबर आप लोगों के टोटल 8 पेपर्स के लिए, हम लोगों को ऑल सिलेबस पर 8 पेपर्स दिए गए, ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है, 2-3 पर टोटल 8 पेपर्स हैं हम लोगों के लिए ऑल सिलेबस इंटरमीडिएट के लिए। तो जिन जो पेपर पर हम लोगों का MCQ होंगे उसका नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी। अब आपको देखना है, जैसे कि मैंने जब ऑडिट के लिए किए थे, तो हम ऑल सिलेबस के लिए आपका जो OMR शीट होंगे, जैसे कि ये अगर आपका OMR शीट है, ठीक है, ये आपका OMR शीट है, आप दूसरे पेज पर देखिए, ऐसे दूसरा पेज आप देखेंगे, जब इसको टर्न ओवर करेंगे, आपको टर्न करने के बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर आपका पेपर कोड मिल जाएंगे, जो पेपर कोड ऐसे दिखने में होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम आपके OMR बुकलेट पर भी होंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होंगे, आप देख लीजिए कुछ ऐसा होंगे। अब देखिए, जैसे कि मैं ऑल सिलेबस में हूँ और इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट ऑल सिलेबस में हूँ, और मैंने ऑडिटिंग और एश्योरेंस में का एग्ज़ाम दे रही हूँ अभी, सोच लीजिए, तो मेरा पेपर कोड का नंबर होगा 6, ये देख लीजिए, ये आया 6। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका पेपर नंबर दिया हुआ है, इसमें इस 6 को सर्कल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका ऐसे 2, 3, 4, 6, 7, 8 करके ऑल सिलेबस के लिए है, 7-8 करके ऑल सिलेबस के लिए, तो आपका पेपर कोड जैसे मेरा था ऑडिट एश्योरेंस के लिए पेपर 6, तो मैंने ऐसे इसको भी सर्कल कर देंगे। अब आप पेपर कोड कौन सा दिया हुआ है, ये पेपर कोड आपके एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें उसका जो कोई कॉलेज हो या स्कूल हो जहाँ पे भी हो, वो लोग लिख के दे देंगे वो टीचर कि आपका पेपर कोड कौन सा है। फिर भी अगर आपको नहीं मिले, आपको एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है और OMR बुकलेट में भी दिखाई देंगे, यहाँ पे कुछ 1 लिख के कंपलसरी मैंने देखा है कि 1 लिखा हुआ रहते, पर मुझे नहीं पता कि 1 के बदले में कुछ और है या नहीं फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, बट 1 है या जो भी कुछ है, ये आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कुछ होंगे कुछ जैसे कि AGN करके अगर कुछ कोई कोड हुआ, तो यहाँ पे ABCD करके होंगे, वैसे ही आपको फिर से सर्कल करनी होगी। और ये वाला कोड आपके टीचर आपका जो होंगे, मतलब इन्विजिलेटर, जिसे हम इन्विजिलेटर कहते हैं, वो इन्विजिलेटर लिख के दे देंगे ब्लैक बोर्ड पर या
जो भी है जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पर कोड पेपर कोड बोल के लिख के दे देते हैं। और जो आपका दोनों सब्जेक्ट है जैसे कि ITSM और ITSM जैसे DT IDT के लिए होता है उनमें से पेपर कोड जो होता है वो बता देंगे आपको कि आपके OMR बुकलेट पर कौन सा OMR शीट पर कौन सा पेपर कोड होगी। फिर भी अगर आपको डाउट है ना तो आप लोग थोड़ा सा OMR बुकलेट देख लीजिए, जो OMR बुकलेट का पेपर कोड होता है ना वही आप लोगों को OMR शीट का भी बुकलेट होता है मैंने जितना देखा है। अगर कोई चेंजेस भी हो गए हैं या कुछ नहीं है तो आप लोग फिर टीचर से ये कन्फर्म कर लीजिए, प्लीज़ मेक इट अ कन्फर्म, डायरेक्टली मत लिखिए, प्लीज़ कंफर्म करके फिर लिखिए, क्योंकि अगर आप पेन से कर रहे हैं तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। चेंज करके नहीं देते, 99.99% चांसेस है चेंज करके नहीं देंगे। हाँ भाई, आपकी OMR शीट का ये नंबर आपको ज़रूरत होंगे जब आप OMR बुकलेट देखेंगे। ICAI एडमिट कार्ड पर कोई OMR बुकलेट का एग्जाम्पल नहीं दिए, मतलब कोई ऐसे सैम्पल कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है जैसे कि आप लोग अब देख सकते हो OMR आंसर शीट पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, OMR बुकलेट पर आपका यहाँ पर पेपर कोड होंगे जो आपको OMR शीट पे भी मार्क करना है और आपके टीचर बता भी देंगे तो कंफर्म होके फिर लिख लीजिए। यहाँ पे आपका फिर यहाँ पे पेपर पेपर ना क्वेश्चन क्वेश्चन सीरियल नंबर होंगे, जैसे कि मेरा कोड आया था सी, यहाँ पे लिखा हुआ था सी, तो आपके सी को क्या करना, मतलब ये जैसे कि ABCD करके आपका आएंगे पेपर OMR क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, चारों सीरियल नंबर का बुक दिया जाएगा ABCD करके आपको आपका कौन सा मिला। अगर आप मेरे से मेरा सी मिले थे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आप दिखा देख सकते हैं, जैसे कि हम दिखा दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर दिया हुआ है ABCD करके, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है मेरे मोबाइल पर, तो ये ABCD आपको मार्क है। जैसे मुझे सी मिले तो मैंने क्या किया यहाँ पे पूरा सर्कल कर दी सी पर, ऐसे देखिए मैंने पूरा सब पूरा सी पर सर्कल कर दी। अब आए क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, ये आपके जो अगर आप मान लीजिए जैसे हम दिखाते हैं, ये अगर आपका क्वेश्चन बुकलेट है OMR जो बुकलेट होता है इसके यहाँ पे ब्लू कलर या वायलेट कलर जैसे दिखाई देंगे कुछ नंबर, जैसे 811745 करके, ये आपका क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरियल नंबर है, ठीक है। ये आपका सीरियल नंबर होंगे, ये जो नंबर है आपको मार्क करना है अपने OMR शीट पर। OMR शीट पर आप देखिए जो बुकलेट सेट नंबर है ये इसके पास ही OMR बुकलेट नंबर, तो आपको क्या करने होंगे जो OMR आपका बुकलेट है इसके कॉर्नर पर आपको दिया हुआ रहेगा वही नंबर होंगे उसी को इसमें मार्क करने होंगे, जैसे 1234 के जो दिया हुआ है आपको सर्कल पर वैसे पूरे सर्कल फिलअप कर देना है जैसा होंगे आपका, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सा पूरा बुकलेट मार्क। अब आएंगे आपके OMR बुक पर, ऐसे इस साइट पर आपको कहाँ जाएगा OMR शीट नंबर का माफ कीजिए नंबर लिख लीजिए, तो OMR शीट नंबर होता है ये वाले नंबर, ये देख लीजिए आप लोग, ये देखिए आप थोड़ा सा व्यू आ रहा है, ये जो OMR शीट नंबर यहाँ पे आपको पता दिए गए हैं OMR शीट नंबर बार कोड के पास, ये जो नंबर है आपका ये वाला जो नंबर यही आपको OMR बुकलेट पर, मतलब OMR जो क्वेश्चन पेपर होता है OMR बुक में क्वेश्चन पेपर जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पर आपको ये साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पे आई थिंक सो जितना याद आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये नंबर लिखते होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 तक, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा OMR शीट आपको हो गया OMR बुकलेट पर OMR शीट, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी है जो आप देख लीजिए लेवल ऑफ एग्जाम, तो मैं यहाँ पे पहले OMR शीट दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको कहाँ जा रहा है आपका लेवल ऑफ एग्जाम कौन सा है, अगर आप इंटरमीडिएट है यहाँ पे ओल्ड कोर्स फाइनल कोर्स ओल्ड कोर्स या न्यू कोर्स लेके पहले ही मत कन्फ्यूज़ हो जाए, पहले आप देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट कहाँ गया है, हाँ इंटरमीडिएट कहाँ गया, जैसे मेरा था इंटरमीडिएट तो मैंने क्या किया इंटरमीडिएट ये नंबर वन पर पूरा का पूरा सर्कल कर दी, और यहाँ पे आपको लिखना है इंटरमीडिएट, देर इज़ नो कंपलसरी कि आपको कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर पर लिखना है, लेकिन मैंने कैपिटल लेटर पर ही लिख दिए
क्योंकि थोड़ा बहुत आप देख लेना आप लोग कि कैपिटल लेटर पर ही होता है तो कंपलसरी नहीं है। अब आएंगे आपकी बात कि आप ओल्ड सिलेबस पे हो या न्यू सिलेबस में, जिसको स्ट्रीम बोल के कहा गया है, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, स्ट्रीम बोल के कहा गया है, ठीक है। व्यू थोड़ा सा ब्लर आ रहा है बिकॉज ऑफ माई मोबाइल, इतनी अच्छी मोबाइल नहीं है और मेरे पास कैमरा भी नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आप लोग देख लीजिए आपकी स्ट्रीम पूछा गया आप ओल्ड या न्यू के हो। जैसे कि मैं इंटरमीडिएट में हूँ और मैं ओल्ड कोर्स में हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने वन पे फिर से सर्कल कर दिए और यहाँ पे लिख दिए ओल्ड, ओके। तो आपका पूरा OMR शीट, OMR बुकलेट सब के सब फिलअप हो गए, और आंसर बुकलेट भी मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। जो लोग नए हैं, डाउट हो सकता है आप लोगों को कैसे करेंगे, उसमें थोड़ा सा बता दीजिए। और उसके पहले आप सिग्नेचर यहाँ पे पेन पे ही करेंगे, एंड प्लीज़ डू इट विद द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आपको देख लीजिए यहाँ पे कहाँ भी गया है, डोंट डू इट विद द ब्लू पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, उसमें आप लोग सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे वही सिग्नेचर जो आपके एडमिट कार्ड पर है, कोई नया सिग्नेचर या चेंज किए गए सिग्नेचर आप लोग मत कीजिए। मैं आप लोगों को आंसर के बारे में, आंसर बुकलेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इस वीडियो पर नहीं हो